हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अब उसी चीज को यानी कि डेज का नाम हम सर्च करेंगे और इसमें हम स्विच फंक्शन का यूज करके इसको देखेंगे। तो चलिए ये देखते हैं। यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेता हूं और सेम वही डेटाबेस मैं ओपन कर लेता हूं जो हमने पिछली वीडियो में लिया था। अब यहां से वीक डे पर आ जाते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं 01020 ये 123 ये कोड लिखा हुआ है डे का, ठीक है। यहां से क्रिएट पर चले जाएं और चले जाएं क्वेरी डिजाइन पर। अगर आप टेबल के फॉर्मेट में चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। यहां से ऐड पर क्लिक करें और यहां से सारे फील्ड्स को यहां पे ले लें। तो ये ले लिया हमने। अब यहां पर हमें डे का नेम आना चाहिए यहां पर, तो यहां पे लिख लेता हूं डे नेम, ठीक है, या नेम ऑफ डे कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहां पर स्विच फंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। तो SWITCH स्विच लगाया हमने। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा जूम व्यू पे लेता हूं ताकि आपको दिखाई भी अच्छे से पड़े। अब यहां से आपको बेहतर तरीके से दिखेगा। अब यहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए और हमारा क्या था डे कोड, यहां पे लिख लिया हमने डे कोड, लिख लिया डे कोड इज इक्वल टू, अच्छा इसको बंद कर लीजिए, फिर यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाइए। अब डे कोड अगर वन हो तो कॉमा संडे, ठीक है, यहां पे संडे हो गया। अब फिर यहां पर डे कोड लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया डे कोड इज इक्वल टू, अब टू करेंगे कॉमा, अगर टू हो तो मंडे हो जाए तो मंडे लिख लिया हमने कॉमा। अगर फिर वही डे कोड लगाएंगे डे कोड इज इक्वल टू, अगर थ्री हो तो क्या हो जाए ट्यूजडे हो जाए, तो यहां लिखा टी यू ई एस, ठीक है, और फिर कॉमा दिया। अब फिर यहां पे डे कोड लिखा हमने इज इक्वल टू फोर हो तो क्या हो जाए वेडनेसडे हो जाए, डब्ल्यू ई डी लिख लिया हमने कॉमा, फिर वही डे कोड और अगर डे कोड इज इक्वल टू फाइव हो जाए तो क्या हो, यहाँ पे फाइव लिखा हमने और फाइव हो जाने पे यहाँ पे थर्सडे टी एच यू आर ये लिख दिया हमने और फिर कॉमा देंगे, फिर यहां पे डे कोड इज इक्वल टू सिक्स, तो यहां पे क्या हो जाए फ्राइडे, पूरा ही लिख देता हूं फ्राइडे पूरा कॉमा, फिर यहां पे डे कोड लिखेंगे। जो भी तरीका आपको बेहतर लगता हो वो तरीका आप यूज कर लें और उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। और यहां पर फ्राइडे हो गया, अब यहां पर सैटरडे की बात कर लेते हैं, ऐसे टी लिख दिया हमने, हो गया काम आपका, ठीक है। और यहां से ओके प्रेस कर लीजिए और ये पहले कोड तो लिख दूं मैं, यहां पे कोड छूट गया, यहां पे सिक्स हो चुका है, अब यहां पे सेवन कॉमा बस हो गया, ओके प्रेस किया और यहां से रन पे क्लिक कर दिया हमने। एक मिनट देख लेते हैं कहीं कुछ छोटा तो नहीं है, गैप है तो हमें गैप रखना होगा, इन दोनों के भी बीच में गैप है तो गैप तो हमें रखना ही होगा, तो ये गैप रख लिया हमने। अब हम इसको ओके करते हैं और यहाँ से रन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी डेट का है वो डेट यहाँ पे आया हुआ है, जैसे मान लीजिए दुर्गेश लिखा हमने यहाँ पे दुर्गेश और यहाँ पे सिक्स कर दिया तो फ्राइडे आ गया, ठीक है। यहाँ पे सूरज लिखा हमने और यहाँ पे कर दिया फोर, तो यहाँ पे वेडनेसडे आ गया। आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पे क्वेरी को सेव कर लेते हैं डे क्यू के नाम से क्वेरी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।